हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मनोसलवा और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी पाइनएप्पल केक की। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप चाहें तो इसको टी टाइम में बनाएं, किसी की बर्थडे के लिए बनाएं या बनाएं दावत के लिए। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल केक बनाने के लिए हमें चाहिए प्लेन फ्लोर 1 कप यानी मैदा, शुगर हमें चाहिए पीसी हुई 1 कप, ऑयल हम लेंगे 1 कप, एग हमने लिए हैं 4 यानी 4 अदद हम लेंगे अंडे, बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1 टेबलस्पून, वनीला सेंस हम लेंगे 1/2 टीस्पून, आप किसी भी कंपनी का वनीला सेंस ले सकते हैं। पाइनएप्पल हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने 3 लिया है, आप पाइनएप्पल भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम हमने ली है। अब हम लेंगे 2 बाउल, एग को हम एग वाइट अलग करेंगे और इसकी जर्दी हम अलग करेंगे बहुत ही ध्यान से। अब हम एग वाइट को साइड पे करेंगे और जर्दी को करेंगे बीट। ये प्रोसेस आप बहुत ही ध्यान से फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल एज इट ऐसे करेंगे तो आपका केक बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही यानी कि स्मूथ और बहुत ज़्यादा फ्लफी सा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट। जब तक हमारी जर्दी का कलर बिल्कुल लाइट येलो में नहीं चेंज हो जाता, इसको हमने बीट किया है। इसमें डालेंगे ऑयल, इसको फिर बीट करेंगे। अब इसमें जाएगी पीसी हुई चीनी जो हमने ली थी 1 कप, 1 कप हम लेंगे चीनी। इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको साइड पे करेंगे और एग वाइट को करेंगे अच्छी तरह से बीट। एग वाइट को हमने बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, ये बिल्कुल इसका टेक्सचर व्हिपिंग क्रीम की तरह हो जाएगा, जैसे व्हिपिंग क्रीम को फुल हमने वाइप किया होता है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये देखें ये फुल, अगर आप बाउल को टेढ़ा करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। अब ये रेडी है, इसको अब हम दूसरे मिक्सचर में मिक्स करेंगे। बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे ताकि दोनों मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें वनीला सेंस डालेंगे, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून वनीला सेंस, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, वन कप हमने प्लेन फ्लोर यानी मैदा लिया है वो इसमें जाएगा, इसको मिक्स करेंगे। आप अगर रेसिपी को एज इट फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और वो बहुत ज़्यादा फूलेगा। हमारा मिक्सचर जो है वो अब रेडी है, मैदा डाल के बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते। अब आप कोई भी पैन ले सकते हैं, कोई भी सांचा केक का, उसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, बटर पेपर लगाएंगे उसकी शेप का और उसमें मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर डालने के बाद उसको हम 2 या 3 दफ़ा अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमने एक बड़ा पतीला लिया है
जिसको मैंने 20 मिनट से मीडियम फ्लेम पे रखा था। इसमें मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड रखा है। इसके ऊपर हम रखेंगे केक का सांचा, जिसके अंदर हमने मिक्सर डाला है। बहुत ही ध्यान से, क्योंकि हमारा पतीला गरम है। अब हम इसको रखेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए, ताकि हमारा केक अच्छे तरीके से बेक हो जाए। उतनी देर हम करते हैं क्रीम को वाइप। थर्टी टू फोर्टी मिनट्स हो गए थे, इसको चेक करेंगे। हमारा केक जो है वो परफेक्ट रेडी है। इसको हमने ठंडा करके निकाल लिया है। इसको कॉर्नर से एक दफ़ा कट करेंगे और इसको सांचे से निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अब इसको दरमियान से कट कर लेंगे। इसको हमने दो हिस्सों में कट कर लिया है दरमियान से। अब हम इसमें पाइनएप्पल सीरम लगाएंगे दोनों में। ख्याल करना है कि केक जब ठंडा हो जाए तो आपने इसको तब डेकोरेट करना है। पाइनएप्पल सीरम लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पाइनएप्पल के जो स्लाइसेस कट किए हैं वो डालेंगे, केक के दूसरे हिस्से पे भी क्रीम लगाएंगे और दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ऊपर भी सीरम लगाएंगे और क्रीम के साथ उसको। केक की डेकोरेशन आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। क्रीम की नोजल्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन से आप केक अपना डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, अब थोड़े से फ्लावर ऊपर बना लेंगे। अब पाइनएप्पल के स्लाइसेस जो हैं वो ऊपर डेकोरेट करेंगे। हमारा पाइनएप्पल केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।